नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 आज हम इसका 11वां प्रश्न करने जा रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले प्रथम भाग है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं, ये सारणी देखते हैं और इसमें देखते हैं tan a कहाँ है। ये देखिए, ये है tan a, इसकी जो वैल्यूज है वो है 0, 1 बटा रूट 3, 1, रूट 3 और अपरिभाषित। tan 90 है अपरिभाषित। इसमें जिससे यदि हम tan 60 वैल्यू देखें तो वो है रूट 3। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है रूट 3। तो बच्चों tan 60 है रूट 3 के बराबर और रूट 3 को यदि हम दशमलव में लिखें तो वो होता है 1.732। कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो है कि tan a का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि tan 60 की जो वैल्यू है वह 1 से अधिक आई है। इसका अर्थ है कि हमारा दिया गया कथन असत्य है। तो पहला जो कथन था वह असत्य है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग है कोण a के किसी मान के लिए सीकेंट a बराबर है 12/5। आइए एक बार फिर से हम अपनी सारणी देखते हैं और इसमें ढूंढते हैं सीकेंट ए। तो देखिए बच्चों, सीकेंट ए की जो वैल्यूज हैं वे हैं 1, 2/√3, रूट 2, 2 और अपरिभाषित। बच्चों 12/5 जो कि हमें प्रश्न में वैल्यू दी गई है सीकेंट ए की 12/5, इसको यदि हम दशमलव में कन्वर्ट करें तो यह होता है 2.4 जो कि 1 से बड़ा है। और यदि हम इस सारणी को देखें तो इस सारणी में भी जो सभी वैल्यूज हैं ये 1 से बड़ी हैं। ठीक है, पहली वैल्यू 1, यह 1 के बराबर है, 2/√3 भी 1 से बड़ा है, रूट 2 भी 1 से बड़ा है और 2 भी 1 से बड़ा है। इसका मतलब सारणी के अनुसार सीकेंट ए की सभी वैल्यूज जो है वो 1 से बड़ी हैं। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ यह है कि दिया गया कथन सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि हमें पूछा गया कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5, 12/5 2.4 है जो कि 1 से बड़ा है। तो सारणी के अनुसार भी सीकेंट ए की वैल्यूज 1 से बड़ी होती हैं, तो हो सकता है किसी थीटा के लिए सीकेंट का जो मान है वह 12/5 हो सकता है। इसलिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 3, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बच्चों कोस ए जो होता है वो होता है कोसाइन ऑफ ए। ठीक है, कोस ए होता है कोसाइन ए, ना कि कोसिकेंट ए, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है, जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया कि कोस ए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन असल में जो कोस ए है यह कोसाइन ए के लिए यूज होता है, कोसाइन ऑफ ए के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये जो हमारा कथन था क्वेश्चन का कि कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कोस ए, यह जो कथन है यह असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। आइए इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो बच्चों देखिए, कोट ए का अर्थ है कोटेंजेंट ऑफ ए। कोट और ए दो अलग अलग शब्द नहीं है कि इनको आपस में गुना करके कोट ए लिख दिया, नहीं, कोट और ए का गुणनफल कोट ए नहीं है। कोट ए एक ही शब्द है जिसका अर्थ होता है कोटेंजेंट ऑफ ए। कोट ए का अर्थ होता है कोटेंजेंट ऑफ ए, यह कोट और ए का गुणनफल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन। ये जो शुरू में
आपको कथन दिया गया था कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसका पांचवा भाग। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यह है हमारी फिर से एक बार सारणी और इसमें आइए हम देखते हैं साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बच्चों जो हमें प्रश्न में दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू 4/3, इसको यदि हम दशमलव में लिखें तो वो हो जाता है 1.33333 इस प्रकार से, जो कि 1 से बड़ा है। ये 1.33 वैल्यू जो है ये 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये जो 4/3 है, ये जो 4/3 है इसका मान 1 से बड़ा है। और हमें सारणी से ये दिख रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 1 के बीच बीच में है, 1 के बीच बीच में है। सबसे बड़ी साइन की वैल्यू होती है 1, यानी प्रश्न तो कह रहा है कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो, सारणी कह रही है कि साइन की सभी वैल्यूज 1 से छोटी होती हैं। इसलिए हमारा ये जो कथन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन की तो सभी वैल्यूज 1 से छोटी होती हैं या 1 के बराबर होती हैं, इससे बड़ी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इसलिए दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। धन्यवाद।